नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। एक लड़की 28 साल की महज कुछ समय पहले उसकी शादी होती है, संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा लेती है। जी हां, 28 साल की पारुल जो अब इस दुनिया में न रही, उसका मासूम एक बेटा है। अब परिवार की बात की जाए तो परिवार जो है बहुत से आरोप जरूर लगाते नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है उनका कहना है और आखिर जो है लड़की ने टेंशन में फांसी लगाई, उसके बच्चा नहीं उसके पास है। सास ससुर ने उसके घर वाले मार पीट के लड़की निकाल दी थी, परेशान की वजह से उसने फांसी लगाई। हाँ जी, उसने कुछ बोला कि मुझे बात करनी है बच्चे से? बच्चे से उन्हें 2-2.5 महीने बच्चा उसको दे नहीं रहे थे जी, बच्चा उन्हीं के पास था। उन्होंने बच्चा मांगा, लड़की को बच्चा नहीं दिया उन्होंने। परेशान की वजह से दिमाग की तौर परेशान हो गई वो, इसलिए उसने ये कदम उठाया। शादी हुई है तब से क्या कैसी स्थिति थी उनके? पहले तो ठीक थी जी, 1 साल तक। उसके बाद इनकी मार पिटाई शुरू होने लगी, कुछ काम नहीं दाम नहीं करता था लड़का जी। उसके बाद 5वीं बार हुई, 5 साल शादी गए, 5वीं बार ये चक्कर है। 5वीं बार तो वो मार पीट के निकाल ही दी है। कई बार तो हम उसको समझा समझो के छोड़ जाते थे, भैया वैसे कोई बात नहीं, ऐसे आगे नहीं होएगा। तो अब की बार तो उन्होंने मार पीट के निकाल दिया और फोन करके कह दिया ले जाओ अपनी बच्ची को। पारुल मायके में रह रही थी? हाँ जी, मायके में थी, 2.5 महीने से थे। उन्होंने आके ये भी नहीं पूछा भी ये कैसी है कैसी नहीं है। बच्चा भी उन्होंने 2-3 बार बोला बच्चे को लाने के लिए, बच्चे से भी इनकार कर दिया। उसके टेंशन हो गई बच्चे की, भाई मेरा बच्चा मेरे को मिलना चाहिए, उन्होंने बच्चों ने दिया। हम तो ये सोच रहे भी पंचायत की वजह थे अपने बच्चे को ऐसे ही मिल जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। कहते कोर्ट की तरह ले लो बच्चे को, क्या मैंने पैदा नहीं किया था? क्या मैं मेरा बच्चा मेरे को ऐसे कर रहे हैं? मेरे से इतना 3.5 साल का बच्चा है, मेरे से इतना दूर किया उन्होंने बच्चे ने, तो उसकी दिमाग की परेशानी इतनी बढ़ गई कि उसने ये काम सोचना पड़ा। लगता है कि इसी वजह से लगाई है? हाँ जी, इसी वजह से लगाई, उन्होंने दुखी कर रखा था परिवार वालों ने। पति कैसा है उनका? हस्बैंड का बिल्कुल डिफॉल्टर है जी, जुए सत्ते खेलता है, दारूबाजी है जी, काम धाम कुछ नहीं करता है जी, परेशान करता पैसे के लिए लड़की को। हाँ जी, जो उसके पास पैसे होते हैं वो भी निकाल लेता है, जो उसके अकाउंट में पैसे हैं माँ बाप जो डालते हैं वो भी निकलवा लेता है उसमें से जी। अपने बहन से भी लड़की ने फोन कर करके 5-7 लाख रुपये बड़ी से मंगवा रखे, 2-3 लाख छोटी से मंगवा रखे। उन्होंने सोचा भी मैं मर जाऊंगा, तो उसने ये कहा भी चल मरने के उससे इसका कर्जा है तो इसमें चल थोड़ा दे दो। उनके पास प्रूफ है इन बात का, जो पैसे दिए उनके साथ जी। हाँ जी, और लड़की को गलत इंतजाम प्रूफ है, वो लगा रहे हैं उसके लड़की पे इंतजाम। भैया घर से नहीं जाती बच्ची, कहीं नहीं जाती, तो गलत कैसे वो प्रूफ मारे को दो? अगर गलत है तो वो गलत प्रूफ लगा के सोचिए भाई गलत है इसका। ये और MBA थी लड़की, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, MBA लड़की थी, उससे ज्यादा सारी वो ले रही है, उसके पास तो कुछ भी नहीं था उसका। लड़का क्या कुछ काम करता? कुछ नहीं काम करता जी लड़का, 12वीं कर रखी थी और उसको बीटेक बता रहे थे कि बीटेक कर रखी इसने जब शादी हुई थी। दारू पीता है और ये जुआ सट्टे खेलता, लड़का कोई काम नहीं करता, इस बार बहुत परेशान थी लड़के, मारता पीटता दारू पी के। टाइम हो गया था शादी? शादी को 5 साल हुए जी। तक अभी उन्होंने आपसे कुछ बातचीत की है अब तक? नहीं जी, अभी 2-2.5 महीने उन्होंने मारे थे, सकल से बात भी नहीं की, फोन से भी बात नहीं की। यहाँ पर आए पारुल के साथ आपके घर? नहीं जी, आए नहीं पारुल के साथ, नहीं आए। कल भी नहीं आए? नहीं कल भी नहीं आए जी, वो कल भी नहीं आए जी। फोन वगैरह कुछ करके कुछ नहीं किया, उन्होंने फोन कर कल भी नहीं आया। हमने 2.5 महीने से इंतजार किया, मैंने कहा समझा लो अपना पंचायत में करो, उन्होंने किया बिल्कुल। वो कहते हम नहीं, उनके साथ हम बात ही नहीं करते। हमारी उनकी तो कोई लड़ाई भी नहीं थी आपस में, उन्हीं बच्चों की और उनकी लड़की के साथ ही थी उनकी, हमारे साथ तो कोई वो भी नहीं थी। हम तो उनको कुछ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा हमारे तो कोई गलती भी नहीं है, चलो भाई अपना इंसाफ कर ले अपना बैठ के। 5-7 बंदे होंगे, 5-7 हमारे, और इसमें काम में कुछ नहीं रखा हमने तो 2.5 महीने तक, कितना करा। लड़की बहुत परेशान होगी, लेकिन लड़की ने ये परेशानी करके अपने दिमाग से तो उसने ये काम किया बच्चे की वजह से। हाँ जी, से नहीं मिलने दे रहे थे, तो देख सकते हैं एक माँ को जब उसके अगर बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है उस माँ पर बीत रही होगी जब उस माँ को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है अपनी माँ से कितना प्यार करता है, उसके बावजूद जो है मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये तस्वीरें फिलहाल कल्पना चावला मोर्चरी हाउस से देख सकते हैं, जो है शव ग्रह से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोदी को बुला के लाओ भाई हमारे पास। नहीं, मोदी से समझाओ ना, ये क्यों कानून नहीं हाथ में, क्यों भाई, क्यों नहीं तुमको करते हो?
मोदी को ऐसे बोलो ना, क्यों किसी की लड़की दहेज के पीछे मरा, क्यों किसी को इतना वो करवा रहे। अगर कानून सही हो तो कुछ ना होने वाला। कितनी तुम्हें पता, कितनी इसमें माइकों में आती, कितनी सुनाई जाती है, आज ये मर गया, आज ये मर गया। अगर कानून सही हो तो क्यों मरे कोई? किसी की लड़की को दहेज में लटका दे, किसी को फांसी में लटका दे, किसी को जला के मार दे, तो लड़की कहाँ से पैदा कर रहे? लड़की पैदा करने में तो बस करो ही ना अपनी जान से। तो अब माँ देखो कैसे सकते हैं लोग जो है रोते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहीं पर जो है हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लड़की अपने ही घर में अपने ही मायके में फांसी लगा लेती है। क्या कुछ उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा था, पति जो है कोई काम नहीं करता था, सट्टेबाजी बताया जा रहा है कि अक्सर किया करता था, और लोग आपको नजर आ जाएंगे, महिलाएं आपको रोती हुई नजर आ जाएंगी, और उस माँ की तस्वीर जो माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो अपने बच्चे के लिए किस तरह से तड़प रही होगी। किन परिस्थितियों में उस माँ ने जो है फांसी को अपनाना सही समझा, अपनी जीवन को समाप्त करना सही समझा। ये लाइव तस्वीरें आपको कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस से फिलहाल जो है दिखा रहे हैं कि कितनी जो है दर्दनाक वो तस्वीरें रही, जब एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए फांसी लगा लेती है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जाता था। फिलहाल की तस्वीरें आपको कल्पना चावला के शव गृह के बाहर से दिखा रहे हैं। अगर मैं पारुल की बात करूं तो बताया जा रहा है महज 28 साल उसकी उम्र है, यानी कि एक नौजवान लड़की किस तरह से अपना जो है जीवन, अपनी लाइफ को ख़त्म करना सही समझती है। शायद उसको जीने में इतनी ज़्यादा जो है दिक्कतें आ रही थी कि वो जी नहीं पा रही थी। जी हाँ, अपने जो है ससुराल से वो बहुत ज़्यादा तंग थी, और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है उसने ये कदम उठाना सही समझा। उचानी गांव की रहने वाली है, तो सबसे अपील करेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। कल जो है पारुल ने फांसी लगा ली थी, फिलहाल देख सकते हैं मौके से जो है शव को लेकर जाया जाएगा। आपसे अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करें। पूरा गांव जो है यहां पर पहुंचा हुआ है, और हर व्यक्ति रोता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। जी हाँ, हर व्यक्ति इस बात के लिए, हर व्यक्ति की आंखें भी ज़रूर नम है कि एक लड़की किस तरह से अभी महज 28 साल उसकी उम्र थी, जो 28 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को उसने ख़त्म कर लिया। जी हाँ, उसका बेटा है, छोटा बेटा बताया जा रहा है, साढ़े तीन साल का बेटा है, एक बंग ज़रूर है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को आप लगातार शेयर ज़रूर करें। देख सकते हैं अब जो है पारुल के शव को यहाँ से लेकर जरूर जाया जा रहा है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें। एक महिला जो है फांसी जरूर लगा लेती है, उचानी गांव की रहने वाली है, 28 साल महज उम्र है, एक छोटा बेटा भी जो है पारुल का है, लेकिन उससे बताया जा रहा है कि मिलने नहीं दिया जाता था, और अक्सर जो है परिवार में लड़ाई रहा करती थी, ससुराल पक्ष की तरफ जो है उसको सही से रखा नहीं जा रहा था, ऐसा जो है मायका परिवार आरोप जरूर लगाता नज़र आ रहा है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी, एक बार मैं बातचीत करूंगी, मनोज जी हमारे साथ हैं। इसके आरती के बारे में, आरती ने कल सुसाइड अपने मायके में कर लिया था, जिसके पिता ने रिटर्न में शिकायत दे दी, देर जब तक पर्चा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करा के परिजनों के हवाले कर दी, कार्रवाई जारी है। कह रहे हैं कि बेटे से नहीं मिलने दिया जाता। देखो, इस बारे में हमारे पास आज तक तो कोई रिटर्न में इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मौखिक तौर पर ये बात सामने आई है कि भाई उसका बेटा अपने पिता के पास था, इसी वजह से स्ट्रेस थी और जिन कारणों से ने आत्महत्या कर ली। मायके में रह रही थी, माइक कैमरा रहती थी पिछले दो महीने से। क्या कुछ उम्र है? 28 साल उम्र है इसकी। सर कल कितने बजे फांसी लगाई? करीब कोई 4:30 के आसपास की होगी, पक्की इन्फॉर्मेशन जो हमारे को मिली है। सर गांव उचानी। तो देख सकते हैं हमारे साथ मनोज जी यहां पर थे, तो फिलहाल अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें कल्पना चावला के शव गृह से बाहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। असंध हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपील करूँगी वीडियो को शेयर जरूर करें, एक बेटी के लिए कि शायद कितना मुश्किल होता है जब बेटी को कहा जाता है कि ये परिवार भी उसका नहीं और वो परिवार भी अगर उसका ना रहे, जहाँ पर वो शादी कर जाती है, तो क्या कुछ उस पर बीतेगी, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपसे अपील यही रहेगी कि खबर को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दे। मैं आरती राणा से, योगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।